सनराइज न्यूज़ की इस वीडियो में आपका स्वागत है। महंगाई के चलते हर कोई परेशान है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जहां एक ओर पेट्रोल महंगा होने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर डीजल की बढ़ती कीमतों से ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बढ़ गया है, जिसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल आता है कि क्या हवाई जहाज में इस्तेमाल किया जाने वाला तेल भी महंगा हुआ है या नहीं। इस सवाल के जवाब से पहले ये जानना जरूरी है कि जिस पेट्रोल के बारे में आप जानते हैं, क्या वही जेट में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जवाब है नहीं। सामान्य तौर पर विमानों में दो तरह के ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। ये ईंधन जेट ईंधन और एवी गैस होते हैं। जेट ईंधन को जेट इंजन को पावर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं एवी गैस का इस्तेमाल छोटे टर्बोप्रॉप विमानों में इंजन पिस्टन को ड्राइव करने के लिए किया जाता है। ये पिस्टन ही विमान को ऊपर उड़ने में प्रोपेलर्स की मदद करते हैं। अब बात करते हैं इन सब की कीमतों की। तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। नतीजन अब कार बाइक के तेल के दाम ATF यानी हवाई जहाज के तेल से एक तिहाई ज़्यादा हो गए हैं। हवाई परिवहन के ईंधन की दर 1 लीटर के लिए 79 रुपये है और सड़क परिवहन के वाहनों के ईंधन की दर 105 रुपये से लेकर 115 रुपये तक हो गई है। दोपहिया और चार पहिया वाहनों के लिए लगने वाले पेट्रोल डीजल की दर हवाई ईंधन से थोड़ी बहुत नहीं बल्कि 30% महंगी हो गई है और इस मामले को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है। डीजल पेट्रोल के आसमान छूते दामों को लेकर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर सवाल उठाया है। बढ़ती कीमतों पर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।